लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं जो ज़मीन पर रह सकती हैं और जो जो बिना पानी के भी जिंदा रह सकती हैं क्योंकि उनके पास लंग्स होते हैं कैन यू टेल मी नेम ऑफ एनी सच फिश क्या किसी ऐसी फिश का नाम आप सोच सकते हैं वेलकम व्यूअर्स नेम इज आदित्य एंड यू आर वॉचिंग एस चांद एकेडमी अब तक हमने बहुत सारे फाइलम्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किया और हम अब एनिमेलिया किंगडम के अंदर फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि फाइलम कॉर्डेट्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इन क्लासेस में एक इम्पॉर्टेंट क्लास है फिश की जिसे हम पाइसिस बोलते हैं तो इस वीडियो में पाइसिस का डिस्कशन किया जाएगा अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी विल टॉक अबाउट वेरियस फीचर्स

हमेशा ही पानी की ज़रूरत होती है एक्सेप्शनली कुछ फिश ऐसी भी हैं जो पानी से बाहर निकल सकती हैं मडी एरियाज इवन सैंड में सरवाइव कर सकती हैं उन फिश को हम लंग फिश कहते हैं लेकिन आखिर फिश को कैसे डिफाइन किया जाता है इनके क्या करेक्टर्स होते हैं इनके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इनको पानी में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं and वी विल टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक फीचर्स which हेल्प them टू सर्वाइव इन highly saline मरीन एनवायरमेंट्स environment, तो इन, इस बारे में हम बात करेंगे इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में सो so आइए स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बेसिक थिंग्स एंड वी विल गो बैक फॉर अ वाइल हम कुछ मिनट के लिए वापस जाएंगे उस कॉर्डेट क्लासिफिकेशन पर जो आपको कनेक्ट करता है पाइसीज के साथ आपको ध्यान होगा कि कॉर्डेट फाइलम को तीन सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है जो कि यूरोकॉर्डेट्स सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉडेट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बल्कि नोटोकॉर्ड होती है इनके एग्जाम्पल्स के साथ हमने इनका डिटेल डिस्कशन पिछले वीडियोज़ में किया है यू कैन गो बैक एंड यू कैन वॉच दीज वीडियोज टू लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स देन वी टॉक अबाउट वर्टिब्रेट्स एंड इन वर्टिब्रेट्स वी लुकड एट अ स्पेसिफिक ग्रुप विच इज कॉल्ड एज अग्ने था जिसमें जॉ नहीं होते हैं फिर उसके बाद एक सब uh, ग्रुप था नैथोस्टोम जिसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं और इस पर्टिकुलर ग्रुप को फर्दर डिवाइड किया गया है पांच क्लासेस में तो ये पांच क्लासेस कौन सी हैं दीज आर पाइसीज एम्फीबिया रेप्टीलिया एंड मैमल्स यू शुड रिमेंबर दैट लीनियस टेक्सोनोमी

जैसे कि इनके अंदर पेयर्ड फिन्स होते हैं आपको जानना होगा कि फिश जैसा कि मैंने बताया दे आर मोस्टली एक्वाटिक और मरीन वो पानी में ही डवेल uh, करती हैं एक्सेप्ट फ्यू एग्जांपल्स दैट आई टोल्ड लंग फिशेस को छोड़कर सो दे ऑलवेज हैव समथिंग टू मेक देम स्विम उनको स्विम करने में मदद करने के लिए उनके पास पेक्टोरल और पेल्विक फेंस होते हैं देखिए पेक्टोरल ये वाला पार्ट होता है जो हमारे शोल्डर्स का पार्ट है और पेल्विक जो है वो ये कमर वाला पार्ट होता है सो इफ़ यू इमेजिन एन ऑर्गेनिज्म जो पानी में स्विम कर रहा है सो समथिंग दैट इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस एरिया क्लोज टू द हेड दैट विल बी कॉल्ड एज पेक्टोरल एरिया एंड जो कमर के पास वाला एरिया है उसको हम पेल्विक एरिया कहते हैं तो वहाँ पर जो फेंस प्रेजेंट होते हैं उनको अकॉर्डिंगली नाम दिया जाता है देन रेस्पिरेशन जो है फिश में गिल्स के थ्रू होता है एंड यू शुड रिमेंबर जो मैंने एक्सेप्शन बताया लंग फिशेज में लंग्स इमर्ज हो जाते हैं और वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं देन दे ऑल्सो हैव डेवलप्ड हार्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स अगर हम आ, पुराने आ, फाइलम्स की बात करें जो पिछले वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं तो उनमें हार्ट उतने डेवलप नहीं थे जितने कि फिश में हैं और जैसे जैसे हम आगे की सब्सिक्वेंट क्लासेस देखेंगे वाटरब्रेड्स की वी विल कम टू नो दैट हार्ट इज इवन मोर डेवलप्ड सो दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट एंड दे आर वॉइक्लोथर्मिक दैट मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स

ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं अगर इन्हें ठंडे एनवायरनमेंट में रख दो तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर वही हो जाएगा जो कि बाहर का टेम्परेचर है सो दे नीड सम एक्सटर्नल एजेंसी दे नीड टू मूव टू द दॉर्मर वाटर्स इफ दे हैव टू वार्म देयर बॉडी दे हैव टू मूव टू कोल्डर वाटर्स इफ़ देर इज लॉट ऑफ हीट आउटसाइड दैट इज कॉल्ड प्वाइक्लोथर्मिक एंड दिस इज समूनिफाइंगस और वन ऑफ द आइडेंटिफाइंगस ऑफ फिश दैट दे हैव लेटरल लाइन सिस्टम लेटरल लाइन सिस्टम का मतलब होता है इनकी बॉडी पे लेटरली एक सेंसरी सेल्स का एक सीक्वेंस होता है जिसकी मदद से ये सेंसेशन करते हैं जैसे कि हमारे पास वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन है वी हैव आइज वी हैव ईयर्स वी हैव स्किन तो ऐसे ही फिश के पास एक लेटरल लाइन सिस्टम होता है जिससे कि ये बहुत सारी चीज़ों को सेंस करने में मदद मिलती है दे हैव टेन पेयर ऑफ क्रेनियन नर्व्स इससे पहले के ऑर्गेनिजम्स को आप देखें तो इतना एडवांस क्रेनियल सिस्टम नहीं है क्रेनियल नर्व्स यानी कि ब्रेन से सीधे निकलने वाली नर्व्स नहीं होती हैं लेकिन इनमें फिश में टेन क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट एंड द इंटायर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स मोस्टली इनकी बॉडी जो है स्केल्स से कवर्ड होती है अलग अलग तरह के स्केल्स होते हैं वो एक तरह की रफ एक्जोस्ट पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड पीपल हु आर स्टडिंग फिश पर्टिकुलरली जो इस डोमेन की बात करते हैं जो इस डोमेन को डिस्कस करते हैं वो पूरी ब्रांच एक्थियोलॉजिकल आती है सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स विच यू नीड टू रिमेम्बर बिफोर स्टडिंग पाइसिस ना द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फिश एक फिश के जनरल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं एज आई टोल्ड यू एक फिश के अंदर uh, एक फिश के जो स्ट्रक्चर uh, है उसकी जो अनाटॉमी है यू विल फाइंड समाउट द करेक्टरिस्टिक थिंग्स लाइक देर विल बी लेटरल लाइन सिस्टम ये इनकी करेक्ट्रिस्टिक है यानी कि इनके शरीर पर कुछ सेंसरी सेल्स होती हैं जो कि इनके बेसिक सेंस ऑर्गन्स की तरह हैं पानी में कैसे मूवमेंट करना है आसपास कहीं फ़ूड अवेलेबल है कितना टेम्परेचर है कितना वहाँ का प्रेशर है ये सारी चीज़ें सेंस करने के लिए इनके पास लेटरल लाइन सिस्टम होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे ऑल्सो है कवर्स इनके पास गिल्स होते हैं और गिल के ऊपर कवर्स होते हैं सो गिल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्परेशन लाइक वी हैव लंग्स जैसे हमारे पास लंग्स हैं इनके पास गिल्स हैं और गिल्स के कवर को ओपर कुलम कहा जाता है दैन दे है नंबर ऑफ फिंस इनको पानी में स्विम करने के लिए फिन्स की जरूरत पड़ती है जस्ट लाइक वी हैव आर हैंड्स So these fins have been given different names uh, mainly they have pectoral fins which are close to the pectoral fins which are close to the shoulders then we have dorsal fin which is present on the back and then we have pelvic fin which is close to the pelvic area, and we have anal fin, which is close to its excretory organ, and finally, we have another fin that is near the tail, that is called as caudal fin. And there might be some slight caudal peduncles which might be present in the fish. So, the entire body of fish is actually streamlined, that means it maintains the hydrodynamics, just like you might have seen.

नाउ समथिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग यू नीड टू डिस्कस इन डिटेल when वी टॉक अबाउट फिश जनरली जो फिश है वो दोनों तरह के Fresh water environment, environment में देखी जाती हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट भी और मरीन इन्वायरमेंट में यानी कि पानी दोनों जगह है कुछ नॉर्मल पानी है जैसे मीठा पानी कहते हैं जो नदियों में होता है झरनों में होता है और एक समुद्र का पानी है जो कि बहुत खारा होता है इतना खारा कि अगर एक गिलास पानी आप पी लें या कोई भी ह्यूमन बींग उसको कंज्यूम कर ले दैट इज़ अ पॉइजन डेथ हो जाएगी So, how do organisms, how do these fish survive in marine environment? And what is the difference between a freshwater fish and a marine fish? Don't make a difference in survival strategies. So, if you think about a fish that is living in freshwater, then you should understand that the fish will be basically compared to the outer environment, hypotonic. बाहर के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में फ्रेश वाटर फिश हाइपरटोनिक होगी यानी कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी मोर कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सो वी कैन कॉल दैट दिस एनवायरनमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर विल बी हाइपरटोनिक इन द फ्रेश वाटर फिश अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा आयंस का लेकिन अगर यही चीज़ हम मरीन फिश के बारे में बात करें तो जो मरीन फिश होंगी वो कंपेयर टू द फ्रेश वाटर फिश दे विल बी हाइपोटोनिक यानी कि बाहर ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है इनकी बॉडी के अंदर कम सॉल्ट है तो इस चीज़ को आप बायोलॉजी में ऑलरेडी जानते हैं कि अगर बाहर जो है ज़्यादा सॉल्ट है और अंदर कम सॉल्ट है सो देर विल बी एक्सेस लॉस ऑफ वाटर लगातार इन फिश से बाहर की तरफ पानी निकलेगा इनकी बॉडी से क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा जबकि यहाँ पर लगातार पानी अंदर की तरफ जाएगा सो वाटर विल मेक एन इन फ्लो फ्राम द स्किनर वाटर विल मेक एन आउटफ्लो एंड इवेंचुअली अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो इनकी सारी सेल्स पानी से इतना भर जाएंगी कि वो स्वेल होकर बस्ट हो जाएंगी और इन फिश की सेल सारा पानी बाहर निकल जाएगा एंड दे विल बी डिवाइड ऑफ ये ड्राई होकर मर जाएंगी तो आपको ये बात सरप्राइजिंग लग सकती है लेकिन फैक्ट ये है कि समुद्र में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं जो जो इतने बड़े ओशन में रह रही हैं आपको लगता है कि उनको पानी की क्या ज़रूरत है वो तो पानी में रह रही हैं लेकिन रियलिटी ये है कि फ्रेश वाटर फ़िश के कंपैरिजन में मरीन जो फिश होती हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना पड़ता है इट माइट लुक सरप्राइजिंग टू यू कि वो तो पानी में या पानी पीने की क्या ज़रूरत है चारों तरफ पानी है बट दे हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर द रीज़न इज़ इफ दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर अगर ये बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगी that water either enters through mouth or that enters through their gills so mostly they consume a lot of water through their mouth and that helps in keeping the body hydrated jo water ka loss ho raha hai bahar ke environment mein apni body ko hydrate karne mein is cheez se madad milti hai but at the same time पानी भी salty है जो समुद्र का पानी है जो वो consume कर रहे हैं वो salty है तो लगातार अगर वो salty water consume करेंगे तो body में बहुत salt इकट्ठे हो जाएंगे सो दे आर गिल्स हैव टू परफॉर्म अ फंक्शन दे हैव टू एक्सक्रीट लॉट ऑफ सॉल्ट्स उनके गिल्स को लगातार सॉल्ट्स बाहर निकालने पड़ते हैं एंड इनको यूरन भी कॉन्सेंट्रेटेड रखनी पड़ती है दे हैव टू कीप यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड क्योंकि अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाएगा तो भी इनको पानी की कमी हो जाएगी सो दे हैव टू कीप यूरन कॉन्सेंट्रेटेड अनलाइक फ्रेश वाटर फिश फ्रेश वाटर फिश देकिन Urinate an ample amount. Ye kafi jyada amount mein urinate kar sakte. They, can, lose water because there is no problem of uptake of the water there. So here, gills basically, jo hai, they don't excrete salt. No salt is excreted. They require less water compared to the marine fish, and mostly their skin will be imbibing water and excreting less amount of water, and urine will be more dilute. Here, urine will be more concentrated. Gills will be secreting out salts. एंड लॉट ऑफ वाटर विल भी टेकन अप बाई दिस फिश सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर फिश एंड मरीन फिश समुद्र में रहने वाली मछली और आ, फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियों के बीच में ये बेसिक सा डिफरेंस है कुछ एक टर्म्स आपको जानना जरूरी है देखिए जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो ओशंस में रहते हैं उनको ये ऑस्मोटिक इम्बेलेंस फेस करना पड़े इस तरह के ऑर्गेनिज्म फिश जो हैं जो अपना ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती हैं, इनको ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है दीज आर कॉल्ड एस ऑस्मो रेगुलेटर्स इनको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स बोलते हैं बट नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म आर इन द मरीन सिस्टम आर ऑस्मो रेगुलेटर्स सम विच डू नॉट नीड टू मेंटेन देअर ऑस्मोटिक प्रेशर दे आर कॉल्ड एज ऑस्मो नाउ विच आर दीज ऑर्गेनिजम्स

सारे ऑर्गेनिजम्स को इस तरह की रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स होंगी दे हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर सम मे नॉट हैव टू डू दैट बट फिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसमो रेगुलेटर्स सिमिलरली देर इज वन मोर टर्म एक और टर्म है यहाँ पर यह कहलाता है स्टिनोहेलाइन एंड यूरोहेलाइन सो जो ऑर्गेनिजम्स ऑसमो रेगुलेटर्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं स्टिनोहेलाइन या यूरोलाइन इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी को टॉलरेट कर पाते हो जैसे अगर एक फिश समुद्र में रहती है उसको आप निकाल कर घर के पानी में ला के डाल दोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो सर्वाइव कर पाएगी नहीं बिकॉज दैट इज स्टिनोहेलाइन उसको उतनी सेलिनिटी चाहिए सर्वाइव करने के लिए उतना नमक चाहिए पानी में बट देर आर फ्यू फिशेज इवन इन दी ओशंस ओशन में और फ्रेश वाटर में कुछ ऐसी फिश हैं कि उनको अगर सॉल्टी वाटर से निकाल कर फ्रेश वाटर में ले जाओ या फ्रेश वाटर की फिश को सॉल्ट वाटर में ले जाओ दे कैन स्टिल सर्वाइव दे कैन टॉलरेट अ ब्रॉड रेंज ये सॉल्ट की ब्रॉड रेंज टॉलरेट कर सकते हैं जबकि ये एक नैरो रेंज को टॉलरेट करती हैं सो वाई डू दे वाई डू दे नीड टू डू इट ऐसी ब्रॉड रेंज सेलिनेटर्स क्यों होते हैं यूरिहलाइन फिश क्यों होती हैं क्योंकि कुछ फिश जो है उनको एश्यूरियन रीजन्स में यानी कि समुद्री पानी से फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है फॉर ब्रीडिंग पर्पस कुछ फ्रेश वाटर फिश जो है वो पानी से नॉर्मल पानी से सलाइन वाटर में जाती हैं ब्रीडिंग के दौरान सो स्टीनोहलाइन दे हैव नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस एंड यूरे हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस नाउ दे कैन भी डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स इनको दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है ऐसी फिश जो यूरी है, है उनको डाइड्रामस भी कहते हैं मीन्स दे कैन लिव इन सी वाटर एंड दे कैन ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर कुछ समय अपनी जिंदगी का वो ओशंस में और कुछ समय जो है वो फ्रेश वाटर में स्पेंड करते हैं इसका रीज़न ये है कि फॉर ब्रीडिंग दे हैव टू मूव टू डिफरेंट इन्वायरमेंट सो वन कैटेगरी इज कॉल्ड एज एनाड्रामस एनाड्रामस फ़िश वो होती हैं जो यूजली ओशंस में रहती हैं एंड देव टू मूव टू फ्रेश वाटर लाइक एश्यज़ और रिवर्स की तरफ उन्हें जाना होता है ब्रीडिंग के दौरान फॉर एग्ज़ाम्पल सेलमन एंड लैम्परेस वेरज कैटाड्रामस दीजा दिश विच यूजली स्टे इन फ्रेश वाटर्स रिवर्स में रहती हैं बट फॉर ब्रीडिंग देव टू मूव टू सॉल्ट वाटर्स उनको समुद्र की तरफ या खारे पानी की तरफ जाना होता है so uh, do you know that how do we classify various type of fish हम कैसे further फिश को classify कर सकते हैं? कई हजार species फिश की known hain what are the basic differences do you know the basic difference between a shark and a dolphin and a whale or do you actually know that whale and dolphins are true fish or not kya wo fish bhi hain ya nahi in sare sawalon ke jawab hum थोड़ी देर में देखेंगे बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हेलो एवरीवन थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती है सिस्टम और सराउंडिंग की ये कंफ्यूजन हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हूँ डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से सो जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाए वेलकम बैक टू एशां अकेडमी ब्रेक से पहले हमने एक क्वेश्चन पोज़ किया था एक क्वेश्चन के बारे में हम जानना चाहते थे कि फ़िश को कैसे क्लासिफाई करते हैं और शार्क डॉल्फिन वेल्स इनमें क्या डिफरेंस है सो लेट मी टेल यू माई डियर व्यूअर्स दैट वेल्स एंड डॉल्फिन आर नेवर कंसिडर्ड इन दिस फाइलम वो इस क्लास के अंदर नहीं आती हैं दे आर कॉर्डेट्स दे आर वर्टिब्रेट्स बट दे आर मोर लाइक अस वेल्स एंड डोल्फिन आर मैमल्स दे आर नॉट फिश सो यू शूड कंसिडर ऑल दोज बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द फिश फिश के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे इन ऑर्डर टू नो दैट वॉट इज़ फिश एंड वॉट इज़ नॉट अ फिश एंड एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम बाद में हम देखेंगे मैमल्स के करैक्टर क्या हैं तो वो कैरेक्टर्स वेल्स और डॉल्फिन में होते हैं सो यू शूड नॉट जस्ट गेट कन्फ्यूज बाई अ सफिक्स फिश पहले भी हम कई वीडियोस में इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि फिश आर्थ्रोपोड्स भी होती हैं फिश सिलेंट्रेट्स भी होती हैं फिश जो है वो नाइडेरियंस भी होती हैं तो फिश वर्ड से कन्फ्यूज़ नहीं होना है ट्रू फिश विल बिलोंग टू फाइलम टू टू दिस क्लास पाइसिस सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन कैसे हम फर्दर पाइसिस क्लास को सब क्लासीफाई कर सकते हैं फिश को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हेयर इज़ द brief classification of pisces you can divide them into three main subclasses opis class subclasses one is called as placodermy another one is called as chondricthase, and the next one third one is called as osteichthys so placodermy is one of the oldest or ancient class it is now extinct arch iski unfortunately koi no varieties, no species available they have further been divided into different uh, orders in kendra orders orders, and these fishes uh, were particularly armored with a bony structure in case par bony armor hua karta tha. unfortunately we don't have them today but all the live fish which are present today arch fish key species present hai, they have been divided into these two groups the first group इस कॉन्ट्रेक्ट थेज विच इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाई देअर कार्टेजनियस स्केलेटन यू नो दैट हमारे शरीर में भी कार्टलेज भी होती हैं बोन्स भी होती हैं आप बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कार्टलेज और बोन को जैसे कि हमारा ईयर पिन्ना है कान को देखो हम दबा सकते हैं नोज की टिप जो है उसको मूव कर सकते हैं इट इज़ नॉट बोन इसमें फ्रैक्चर नहीं होगा आसानी से राइट right? लेकिन बोन थोड़ी सी फ्रिजाइल होती है हार्ड होती है तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो कार्टलेजनियस फिश जो इस ग्रुप को बिलोंग करती हैं दे हैव द सॉफ्ट स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ कार्टलेज बट दोज विल हैव बोनी स्केलेटन इनके अंदर ट्रू बोन्स प्रेजेंट होती हैं दे हैव बीन फर्दर क्लासीफाइड कार्टलेजनियस फिश को हम इलास्मोब्रैंक्स भी कहते हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है स्क्वेलीफॉर्म्स रेजीफॉर्म्स एंड

Uh, they are also called as hypotremeta. They are dorsoventrally flattened. मतलब ये ऊपर से पिच की हुई flat fish होती हैं, uh, which are found at the bottom of the sea. So the reason for being flat is uh, evolution during the extreme pressure. Ocean के बॉटम पर आप जानते हैं कि कई million gallons पानी का pressure रहता है, तो वो organism नीचे usually flat होते हैं. These uh, belong to Rajiforms and one of the example is stingray. इसका example है stingray और trilgon. then holocephaly, they don't have a spiracles they only have a single gill opening which is either covered by fleshy operculum and uh, there are uh, fish like chimera chimera is one of the example of such kind of fishes which i was telling you sometimes like lung fishes will also belong to this group then the next category is osteichthyes which will have true bones in their body and they, they are then divided into again uh, two subclasses, sarcopterygy and actinopterygy, which is based on basically the kind of fins they have. Some of them have pointed fins and some of them have some blunt fins. So, on the basis of the nature of fins, they have been further classified. And then there are two orders in this subclass and 19 different orders in this subclass. So, we will go closer into the differences between chondrichthysis and austichthysis. First, we will learn their specific points. We will learn specific points. What are chondrichthysis and cartilaginous fish characters? We will learn what characters are and what differences karenge. So, here are some important characters of cartilaginous fish. For example, I talked scoliodon or uh, dogfish, or you can say shark. सो इफ़ यू लुक एट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स द ओपरकलम इज़ गिल ओपरकलम और गिल कवर इट इज़ एबसेंट तो जनरल कैरेक्टर्स में हमने जो बात की थी कि फ़िश के अंदर ओपरकुलम होता है गिल के ऊपर एक ढक्कन होता है एक कवर होता है लेकिन इनके ऊपर गिल कवर नहीं होता है तो so, ये चीज़ आपने कुछ इम्पॉर्टेंट आई मीन पिक्चर्स अगर आप देखें फ़िश की उसमें आपने नोटिस भी की होगी जैसे अगर आ, मैं आपसे बात करूं कि शार्क का कोई पिक्चर आपने अगर देखा होगा सो यू माइड हैव सीन दैट इट विल हैव सम्स हेयर यहाँ पर कुछ एक ओपनिंग्स दिखाई जाती हैं इसमें एंड द गिल्स कैन बी सीन एक्सपोज इन इन द स्किन ऑफ शार्क बट वेन यू लुक एट द बोनी फिश इनके ऊपर एक कवर होता है गिल्स सीधे सीधे नहीं दिखते हैं सो दैट इज वन बेसिक डिफरेंस हाउ यू कैन मार्कआउट बिटवीन अ बोनी फिश एंड अ कार्टलेजिनियस फिस तो क्या होता है इनके ऊपर कोई कवर नहीं होता है गिल्स के ऊपर दूसरी बात इनका जो माउथ है वो वेंट्रल होता है वेंट्रल का मतलब अगर ये फिश इस तरह से है तो टर्मिनल माउथ नहीं होगा किनारे पे इस तरह से माउथ नहीं होगा नीचे की तरफ होगा दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल माउथ तो दो डिफरेंसेस हो गए ओपरकुलम इज एबसेंट एंड द माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड माउथ जो है वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसिस विच कैन इजिली हेल्प यू टू Distinguish between bony fish and cartilaginous fish. And of course, they have the cartilaginous skeleton, which is like a soft bone. They have a heterocircle tail. What do you mean by this heterocircle tail? I have drawn this tail asymmetrically, means one part of the tail is larger, another part is smaller. But those fish uh, fish which are bony, they will usually have a homo tail. That means they will have both equally distributed parts or equally distributed lobes. दैट वी विल सीक एक मिनट बाद बस अभी हम कंपेरिजन भी करेंगे इनका एक टेबल के थ्रू भी देखेंगे तो हमें पता लगेगा दे डोंट हैव कोस दैट मीन्स दे कांट एक्चुअली सी द कलर्ड थिंग्स इनका जो वर्ल्ड है जस्ट लाइक कैटल्स दे आर एबल टू सी द ब्लैक एंड वाइट विजन

क्लास्पर के साथ होता है जो पेल्विक फिन है यानी कि जो कमर वाला मैंने बताया आपको फिन होता है उसमें क्लास्पर्स भी होते हैं होल्ड करने के लिए और इनकी स्किन में जो स्केल्स होते हैं दे आर डिफरेंट देन द स्केल्स ऑफ बोनी फिशेस दे आर कॉल्ड एज प्लैकवाइड स्केल्स कंपेरेटिवली बड़े होते हैं एंड दे ऑफन ग्रो कंटिन्यूसली लगातार ग्रो होते रहते हैं दे आर कॉल्ड एज प्लेक्वाइड स्केल्स सो दिस इज द बेसिक पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ड्रिक इनको इलास्मोब्रांकाई भी कहा जाता है इलास्मो भी कहा जाता है कार्टलिजनस फिश और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल क्या है डॉग फिश और यू कैन ऑल्सो कॉल दैट एज स्कॉलियोड और शार्क ओकेट दिस बोनी फिश एज आई टोल्ड यू दे विल भी सम पॉइंट ऑफ बेसिक डिफरेंसिस इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होंगे बोनी फिश में इनकी जो टेल का फिन होगा वो इक्वली लोब्ड होगा They will have fins over here and they will have mouth that will be terminally present. In jo mouth hai wo terminally placed hoga, bilkul uh, beach at the lateral line. And you will not be able to see gills from outside because the gills uh, will be covered with a cover which is called as operculum. So these are the points which are mentioned here. They have bony skeleton. Inka skeleton bony hota hai. गिल्स चार से ज़्यादा होते हैं गिल्स कवर्ड होते हैं गिल कवर यानी कि ओपरकुलम उसके ऊपर लिड प्रेजेंट होता है होमोसर्कल और डाइफाइस सर्कल दैट मीन्स इक्वली लोब्ड टेल प्रेजेंट होती है टर्मिनल माउथ होता है वेंट्रल नहीं होता है इनमें माउथ क्लोका नहीं होता है इसमें दे हैव सेपरेट ओपनिंग्स मोस्ट ऑफ द यूरिन और मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेस्ड इज़ यूजली रिलीज बाय द गल्स सो दे डोंट एक्चुअली नीड मच ऑफ द यूरीनेशन स्पेशली इन द मरीन सिस्टम स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं फ्लोट करने में स्विम ब्लैडर्स आप समझ सकते हैं कि कुछ एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं बट इन केस ऑफ इलास्मो ब्रैंक आई दैट इज़ कार्टेलिजनियस फिस दे डोंट हैव स्विम ब्लैडर्स इंस्टेड दे फिल सम लिपिड्स दे स्टोर सम लिपिड्स कुछ फैटी uh, चीज़ें वो स्टोर करती हैं अपने आप को लाइट वेट बनाने के लिए और इनके जो ऊपर uh, स्केल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो इलास्मो ब्रांकाई हैं उनके स्केल्स प्लैकोइड थे जबकि बोनी फिशेस के जो स्केल्स होते हैं वो साइक्लॉइड या टीनॉइड होते हैं दे हैव स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन दैट मे बी वी कैन गो फॉर अनदर वीडियो टू टॉक अबाउट दीज डिफरेंसेस इनमें कॉन्स प्रेजेंट होती हैं यानी कि ये कलर्ड विजन रख सकते हैं ये कलर्ड चीज़ों को देख सकते हैं और करीब करीब अट्ठाईस हज़ार स्पीशीज़ जो हैं बोनी फिश की नोन है सो देर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन फिश में सो कपल ऑफ़ एग्जाम्पल्स अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें इलासमो ब्रांक्स के कार्टलेजनियस फिस के तो तीन ग्रुप्स होते हैं कार्टलेजनियस फिस के एक शार्क जिसके बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे शार्क आर लाइक टाइगर्स ऑफ ओशंस दे आर प्रिडेटरी एनिमल्स प्रिडेटरी फिश देन वी हैव सम फ्लैट ऑर्गेनिजम्स विच यू माइट हैव सीन इन मूवीज और एक्वाटिक एनिमेशन वेयर यू हैव सम फ्लैट ऑर्गैनिज्म मूविंग एट द बॉटम ऑफ द सी दे आर कॉल्ड स्केट्स और उसी के जैसे कुछ कुछ दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते है, हैं रेस, तो ये तीनों ही बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं कार्टलिजनियस फिश की कैटेगरीज़ के ना व्हाट आर द डिफ्रेंस बिटवीन दैम अगर हम इनके बेसिक डिफरेंस की बात करें तो शार्क स्केट्स और रेज में क्या अंतर होता है शार्क जो होती हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जस्ट लाइक अ शिप बट स्केट्स एंड रेस बोथ हैव द फ्लैट बॉडी इनकी चपटी बॉडी होती है बिल्कुल फ्लैट ऊपर से एंड आई टोल्ड यू द रीजन कि ओशन के बॉटम पर बहुत प्रेशर होता है सो दैट माइट द एवोल्यूशनरी प्रेशर फॉर मेकिंग दम फ्लैट द टेल ऑफ शार्क इज डिस्टिंगली लोब्ड जबकि इनकी टेल्स क्या होती है इसमें एक नुकीला कांटा जैसा होता है दे कैन बी अ लॉन्ग स्पाइन इन स्केट्स बट रेस विल हैव लाइक टेल -like इसकी पूछ होगी जो कि मूव कर सकती है फ्लैक्सिबल टेल होगी जबकि इसकी बहुत ही सॉलिड एक कांटे की तरह टेल होती है थॉर्न होता है इसमें एंड दैट्स पॉइजनस देन टीथ्स आर रिप्लेस थ्रू आउट द लाइफ टीथ्स कैन कीप ऑन बट देट हैिज्म स्पीशीज बट स्केट्स दे give ओनली एग्स एंड देर एग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मरमेड पर्सेज जल परी का पर्स समझ लीजिए इसको नाम दिया जाता है दे लुक लाइक वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर सो देर देयर एग्ज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मरमेड दैट मीन्स दे आर एग लिंग वेर इज रेज दे आर डिफरेंट फ्राम द स्टेट्स बिकॉज दे गिव लाइफ बर्ड्स ये ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं इनके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉट एग्स सो वी विल कंक्लूड दिस सेशन विथ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिशिज एज वेल अभी तक हमने इलासमो ब्रांक यानी कि काटलेजनियस फिश के एग्जाम्पल्स देखे लेकिन जो बोनी फिश होती है उनको अक्सर आप देखते हैं इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ फिश इन द मार्केट मार्केट में आपने बहुत तरह की फिश देखी होंगी सेलमोन इज वेरी गुड एग्जाम्पल अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल प्राउड दिज आर सम कॉमन फिशेज विच मैनी पीपल कंज्यूम तो दोनों ही तरह की फिश होती हैं फ्रेश वाटर में भी होती हैं और जो है वो मरीन इन्वायरमेंट में भी होती हैं ईल्स एज आई टोल्ड यू दे बिलोंग टू फ्रेश वाटर बट अदर फिश लाइक पफर फिश दैट बिलोंग्स टू मरीन इन्वायरमेंट सो बहुत लार्ज वैरायटी है एवरी फ़िश इज़ नॉट पैलेटबल सारी फ़िश जो है वो पैलेटबल नहीं है लेकिन फिश एक बहुत बड़ा uh, एक कह सकते हैं हम कि एक फूड का रिसोर्स भी है फॉर ह्यूमंस and the advantage of the fish compared to vegetarian diet compared to non-vegetarian diet compared to the दैटल्स is that they have a growth proportion of इज to वन यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम प्लांट्स को कोई न्यूट्रिशन देते हैं कुछ चीजें देते हैं तो उनमें जो बायो का डेवलपमेंट होगा वो कम होगा अगर कैटल्स की हम बात करें तो करीब आप एट किलोग्राम अगर उसको खाना खिलाएंगे तो वन किलोग्राम उनका मास ग्रो करेगा अगर आप चिकन्स uh, की बात करें दैट विल बी समवेयर इन द रेशियो ऑफ फोर इज टू वन और टू इज टू वन बट इफ यू टॉक अबाउट अ फिश द ग्रोथ रेशियो इज़ वेरी हाई वन इज़ टू वन ट्रिबेंडस यानी कि आप अगर एक किलो उसको खाना खिलाते हैं तो फिश का वजन एक किलो बढ़ सकता है सो दैट्स वाई फिश इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड एंड इन फैक्ट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी इनके जो जो लिवर होते हैं फिश के इनके अंदर स्पेशली द कॉड फिश कॉड फिश के लिवर से विटामिन डी विटामिन ए इनके बहुत ही रिच ऑयल्स सेपरेट किए जाते हैं सो न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट है बट आई विल से नॉट ऑल फिश आर पैलेटबल बहुत सारी फिश पैलेटेबल नहीं है सम ऑफ दैम आर ऑर्नामेंटल कुछ फ़िश ऑर्नामेंटल होती हैं एक्वेरियम्स में रखी जाती हैं एंड वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू जिससे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे दैट इज़ ग्लो फिश यूएसए एंड सिंगापुर के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी फिश भी बनाई हैं जिनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कुछ फ्लोरेसेंट प्रोटीन एक्सप्रेस कराए जाते हैं एंड दिस फिश आर वेरी ब्रिलियंट व्हेन दे आर केप्ट अंडर दी लाइट डार्क में वो चमकती हैं अलग अलग कलर्स एमिट करती हैं उनको ग्लो फिश कहा जाता है एंड दैट वॉज द फर्स्ट कमर्शलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सो विद दीज एग्जाम्पल्स अगर हम इस लेक्चर की समरी देखें तो हमने पाइसीज यानी कि फिश की बेसिक कैरेक्टर्स देखे उसके डेफिनेशन देखे उसके क्लासिफिकेशन uh, के बारे में बात की और दो इम्पॉर्टेंट क्लासेस कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस यानी कि काटलेजनियस फिश और बोनी फिश के डिफरेंसेस को डिस्कस किया इन दी एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल्स एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ द फिश अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं सो यू कैन रेफर This particular book from Eschand Academy, description about this book and link for ebook is provided in the comment box below. You can check there. Thank you very much for watching. Do not forget to share, like and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Thank you very much All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.